फ्रेंड्स, मोनिका कुकिंग स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज से हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल रेसिपीज और उस सीरीज में सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मावा पेड़ा। होममेड इंस्टेंट मावा पेड़ा इतना टेस्टी बनता है कि आप बाजार का पेड़ा भूल ही जाओगे और अगली बार से बाजार से बिल्कुल नहीं बुलाओगे। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, एक बार तो बनाना बनता है। तो वीडियो लास्ट तक पूरा अच्छे से देखिए ताकि आपका पेड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर आए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट मावा पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप मावा लिया है और उसे मैं एकदम धीमी आंच पर अच्छे से करीब 2 मिनट तक भून लूँगी। ये मावा मैंने इंस्टेंट होममेड मावा लिया है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर ली है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसे हम करीब 2 मिनट तक भूनेंगे। ये फ्रेश मावा है इसलिए इसे भूनने में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपका मावा फ्रेश नहीं है तो आपको शायद थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, पर इसे हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे और हमें कहीं पर भी गैस की आंच बढ़ानी नहीं है। फिर हम उसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध और दूध में अब हमारे मावा को हमें एकदम अच्छे से पकाना होगा। इसमें हमें उसे क्रश करते हुए इस तरीके से मैश करते हुए मिलाना होगा ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्स यानी गुठलियाँ ना रहे, और पूरे दूध के साथ उसे हम अच्छे से मिलाएंगे। हमें सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि कहीं पर भी गैस की आँच हमें तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये मावा जल सकता है। मावा बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए आप इसे एकदम धीमी आँच पर ही भूनिए। देखिए हमारे मावा ने काफ़ी दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं इसे फिर से मैश करते हुए बस इसकी लम्स यानी गुठलियाँ ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं लगेंगी, नहीं तो हमारा पेड़े में मज़ा नहीं आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा खाने का कलर डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ही दिखने में सुंदर बन जाए। टेस्ट में तो है ही पर दिखने में भी सुंदर बन जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो ना डालें। आप चाहे तो इसमें केसर का दूध भी डाल सकते हैं, उससे तो फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। अगर आपको केसर का फ्लेवर पसंद है तो आप ज़रूर डालिए। इसे अब मैं और पकाऊंगी करीब 1 से 1.5 मिनट तक। देखिए जब आप इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से पकाएंगे ना तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। चीनी की मैं करीब 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, बट चीनी की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी से सिर्फ इसमें टेस्ट ही नहीं आएगा बल्कि बहुत ही अच्छा ग्लेज भी आएगा। आपका जो पेड़ा है बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर बनेगा और खाने में तो ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। तो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे अब मैं चीनी के साथ भी करीब 1 से 1.5 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए अब हमारे पेड़े का मिक्सचर लगभग बनकर रेडी है। हमें इसे बस इतना ही पकाना है। अगर आप इसे ज़्यादा पकाओगे तो क्या होगा कि आपके पेड़े ठंडे होने के बाद कड़क बन जाएंगे, इसलिए इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। आपको यहाँ पे वो थोड़ा गीला लगेगा बट आपको इतना ही पकाना है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। देखिए ठंडा होने के बाद हमारा जो पेड़े का डो है वो बहुत ही गाढ़ा हो गया है। अब इससे हम पेड़े बना लेंगे। मैं पहले इसे थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि ये और भी स्मूथ हो जाए। अब इससे हम पेड़े बना लेंगे। तो पहले मैं छोटा सा पार्ट लूँगी और उसको हाथ के बीच में मसलते हुए इस तरीके से पेड़े का शेप दूँगी। आप इसे जितना मसलोगे उतना ही प्लेन, उतना ही स्मूथ और उतना ही अच्छा ये पेड़ा बनेगा। तो हम इसे अच्छे से मसलते हुए एक पेड़े का शेप दे देंगे और बीच में मैं थोड़ी सी जगह बना रही हूँ ताकि हम उसमें हमारा पेड़ा ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम डाला है और इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसी अच्छी रेसिपीज़, दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए मेरे लगभग सारे पेड़े बनकर रेडी है, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे पेड़े कितने टेस्टी लग रहे हैं। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।